अपने पैसे के लिए लोगों की वाट ये नेता लोगों ने लगा दी। ये उद्योगपतियों के नेता है, उद्योगपतियों के नेता है, ये दलाल लोग है। अभी जो नेता है डुप्लीकेट है, दीपा पाटिल का सिर्फ नाम लगाते हैं, लेबल लगाते हैं और लोगों को फंसाते हैं। जैसे हरियाणा और दिल्ली में हो रहा है वैसे ही उरण और जेएनपीटी और बेलापुर में सिडकों के खिलाफ ये आंदोलन चलेगा और जल्द ही जल्द इसके लिए हम आंदोलन खड़ा करेंगे। हर एक शेतकरी लड़ेगा, अभी कोई नेता बीच में आएगा ही नहीं। हमारी खेती खत्म होगी, मिठागर खत्म होगी, सागरी धंधा सागरी व्यापार खत्म हो गया, भात खेती खत्म होगी, इसमें रोजगार किधर मिला, नौकरियां कहां मिली। राज्य सरकार ने नवी मुंबई में ऐसी जेट की स्थापना के लिए यहां के स्थानीय किसानों की हजारों एकड़ जमीन हथियाई। मकसद ये था कि 5 लाख से ज़्यादा रोजगार मिलेगा, इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी, लेकिन नवी मुंबई में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 2005 से लगातार यही कहानी दोहराई जा रही है। अब नए नए कॉरपोरेट घरानों को भी जमीन देने की तैयारी है, सरकार उनके ऊपर वो मेहरबानी कर रही है जो अब से पहले नहीं हुआ। ऐसे में प्रकल्पग्रस्तों को कितना न्याय मिला, उनको कितनी नौकरियां मिली, उनको कितना नुकसान भरपाई मिला, इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रकल्पग्रस्त नेता राजाराम पाटिल साहब हैं। पाटिल साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि एससी जेड की जो स्थापना की गई थी, जो मकसद था, वो कितना पूरा हुआ आपकी नज़र में? वो 100% फेल हो गया है। एक रुपया गवर्नमेंट को नहीं मिला और शेतकरी लोगों को नहीं मिला, कोई व्यवसाय नहीं मिला, एक भी नौकरी नहीं मिली और वो जमीन है वो खाली पड़ी है, उसमें चावल पैदा होते थे, मच्छियाँ मिलती थी, वो सब बंद होगी और ज़मीन ऐसे ही, जैसे मराठी में उसको ओसाड़ जमीन बोलते हैं, वो पड़ी है। इसके लिए पिछले 2005 से 2021 तक देश का बहुत बड़ा नुकसान हो गया। सबसे अच्छी ज़मीन देश की थी जिसमें जेएनपीटी बंदरगाह बाजू में है, जिसमें रेलवे गई है, जिसमें हाईवेज है और ऐसी अच्छी ज़मीन, अच्छा लोकेशन गवर्नमेंट ने खाली रखा है और देश का बहुत बड़ा नुकसान किया है। और इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे शेतकरी लोगों का हो गया है, एक रुपये का पुनर्वसन नहीं मिला है। आपको लगता है कि सरकार का जो मकसद था, सरकार ने जानबूझ के कॉरपोरेट घरानों को ये ज़मीन देने के लिए ऐसी जेट का एक बहाना चुना और आज तक उसका विकास नहीं हो पाया? एकदम बराबर है। आपको मालूम है रायगढ़ में पहले जो आंदोलन हुआ था 1932 में, साहूकार लोगों से जमीन लेने का आंदोलन हुआ था, जिसको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और नारायण नागू ने कुल कायदा का आंदोलन किया था। साहूकार लोगों से ज़मीन ली गई थी और वो ज़मीन फिर से 1 अप्रैल 1957 को कुल कायदा लगा, उसके बाद ये सेज का प्रकल्प 2005 में लाया। इसका हेतु ही यही था कि बड़े साहूकार लोगों को फिर से ज़मीन देने का है और हमारे देश की पुरानी सोच है कि जो बड़े बड़े ज़मींदार लोग हैं उनके पास ज़मीन रहनी चाहिए। इसमें बड़े बड़े पिक्चर भी आए हैं, जैसे राजस्थान में ठाकुर लोग है, हमारे महाराष्ट्र में मराठा लोग है, जो ज़मींदार लोग हैं उनके ही पास ज़मीन रहनी चाहिए। और अभी ये अदानी और अंबानी आई है जिनके विरोध में देश में आंदोलन चल रहे, जिन्होंने कानून लाया है वो बोलते हैं शेतकरी हित का है। ऐसे ही 2005 में सेज का कानून शेतकरी लोगों के लिए अच्छा रहेगा ऐसे बताया गया, लेकिन अभी भी आप हमारे साथ आ सकते हो और देख सकते हो कि उरण में सेज के जमीन में कुछ भी नहीं हुआ है और देश का सबसे बड़ा नुकसान, जमीन का सबसे बड़ा घपला हुआ है और शेतकरी लोगों को फंसाने का काम हुआ है। बात दुख की बात है, इसके लिए लड़ने के लिए अभी कोई राजी नहीं है। आप चैनल के माध्यम से ये विषय उठा रहे, आपको मैं मनपूर्वक धन्यवाद दे रहा हूँ। आपको याद होगा कि जब इसी तरह का मामला आया था वीडियोकॉन कंपनी के खिलाफ, तो उसकी ज़मीन को वापस लिया गया था। आपको नहीं लगता कि अभी जो दूसरी कंपनियां कॉरपोरेट कंपनियां, अगर वहां पर ऐसी जेड नहीं विकसित हो रहा है, तो वो ज़मीन वापस लेनी चाहिए और फिर से किसानों को देनी चाहिए? हाँ, अभी रिलायंस का फिर से 19 में एग्रीमेंट हो गया है कि 4,000 एकड़ ज़मीन उनको देनी है। ये सब गलत है क्योंकि हर 2 साल में, मतलब पहले 2005 में ली थी, 2 साल के अंदर कुछ न कुछ करना चाहिए था, उसमें इन्होंने किया नहीं, तब से एक व्यवहार कैंसिल हो गया है। तो अभी रिलायंस को 2019 में दिया है वो गलत करार है, वो एग्रीमेंट रद्द होना चाहिए। जो न्याय वीडियोकॉन के साथ हुआ है वो रिलायंस और अदानी के साथ भी होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, शेतकरी लोग अभी मांग करेंगे, उरण पनवेल और पेंड के शेतकरी, कि ये जो ज़मीन हमारी थी वो हमको चाहिए, क्योंकि 2005 में 2.5 लाख रुपए एकड़ का भाव था और अभी 2.5 लाख करोड़ रुपए एकड़ का भाव है।
तो सबसे बड़ा जो फायदा है, और 2013 के कानून से जाएंगे तो 50 लाख रुपए गुंठा की जमीन है, तो ये 2013 के कानून से जमीन शेतकरी को पुनर्वसन दे दो या तो जमीन पीछे फिर से दे दो, ये हमारी मांग है। आपको क्या कारण लगता है कि यहाँ के जितने भी बड़े प्रकल्प नेता हैं जो कहते हैं कि हम उनके न्याय के लिए या उनको अधिकार दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जब ये अदानी और रिलायंस और दूसरे बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों को जमीन देने की बात आ रही है उस वक्त खामोश हो जा रहे हैं और किसानों के हित में बात नहीं कर रहे हैं, क्या वजह आपको लगता है? आपको मालूम है कि सेज की जमीन वो खाली थी, ये एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट उसमें भी हो सकता था, लेकिन जबरदस्ती 10 गांव उठाए गए मच्छुमार लोगों के। ये 10 गांव उठाने के नोटिस निकली 2013 में, तो हमारे सब सर्वपक्षीय नेता जिनको बोलते हैं पनवेल उरण में, वो सर्वपक्षीय नेता सब सेठ लोग हैं, पीछे सेठ लगाते हैं, वो सेठ लोग इकट्ठा एक गांव के लोगों को फंसाया गया कि अच्छा आपको पुनर्वसन मिलेगा, लेकिन अभी भी आंदोलन लोगों का गरीबों का चालू है। ये लोगों ने इसके लिए पुड़ा कर लिया क्योंकि उनको 3000 से लेकर 5000 का मिट्टी का भराव मिल गया, अपने पैसे के लिए लोगों की वाट ये नेता लोगों ने लगा दी। ये उद्योगपतियों के नेता है, ये दलाल लोग है, और अभी सभी गांव उनके खिलाफ है, और अभी सामान्य शेतकरी लोगों का आंदोलन आगे बढ़ेगा। अभी लोगों को मालूम हो गया कि सिडको प्रकल्प हो, सेज प्रकल्प हो, JNPT प्रकल्प हो, समुन्द्र के सब कोस्टल रोड हो, उसमें मछुआरों को शेतकरी लोगों को फंसाया जा रहा है, और ये काम अपने ही रक्त के अपने ही माउस के जो बड़े बड़े नेता है, बड़े बड़े लीडर है, यही कर रहे हैं। और ये अभी सामने आया, अभी दीबा पाटिल साहब जैसे नेता नहीं रहे, अभी जो नेता है डुप्लीकेट है, दीबा पाटिल का सिर्फ नाम लगाते हैं, लेबल लगाते हैं और लोगों को फंसाते हैं। अब किस तरह का क्या आपको आंदोलन कोई करना चाहते हैं आपकी, ताकि शेतकरियों को किसानों को न्याय मिल सके और SEZ के नाम पर जो जमीन हथियाई गई है वो वापस किसानों को मिल सके? अभी हमारे जो दोस्त हैं, सब पत्रकार दोस्त हैं आपके जैसे, उन्होंने सब पेपर निकलवाए हैं और पूरे संसद से लेकर सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट से लेकर सब जगह हम ये लड़ाई लड़ने वाले हैं, और जल्द ही जल्द इसके लिए हम आंदोलन खड़ा करेंगे। हर एक शेतकरी लड़ेगा, अभी कोई नेता बीच में आएगा ही नहीं। जैसे हरियाणा और दिल्ली में हो रहा है, वैसे ही उरण और JNPT और बेलापुर में सिडको के खिलाफ ये आंदोलन चलेगा, क्योंकि कभी भी 100% पुनर्वसन हुआ ही नहीं है। 12.5% में हुआ नहीं, 22.5% में हुआ नहीं, JNPT में हुआ नहीं, मच्छीमारों को 1 रुपया मिला नहीं, तो हमको अभी कोई लीडर नहीं चाहिए, हमारे जैसे सामान्य लोग हैं वही अभी आंदोलन करेंगे। आपके आंदोलन की दिशा क्या होगी, किस तरह से आप आंदोलन की रूपरेखा आपने तैयार की है कि आने वाले समय में कब तक यह आंदोलन होगा? अभी हम हर एक गांव में जा रहे हैं। अभी 15 दिन पहले JNPT का आंदोलन हुआ, JNPT के मछुआरों को अभी तक 35 साल में गावठा नहीं मिला है, उसके लिए हमने समुंदर में जहाज रोके थे। जैसे ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाए, जहाजों को रोका जाएगा तो पूरे वर्ल्ड में सब्जेक्ट जाएगा। उनको पुलिस ने बोला है कि हम 1 महीना के अंदर 35 दिन में गावठान देंगे, लेकिन मुझे मालूम है ऐसा हो गया नहीं। सबको पैसा मिलेगा, सब लोगों को पैसा मिलेगा, शेतकरी लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। इसके लिए हम जगह जगह आंदोलन कर रहे हैं, गांव गांव में जाके आंदोलन करेंगे, और इसमें बड़े नेता कोई नहीं आएगा, मुझे मालूम है वो सेटिंग करने के लिए है। और इसके लिए मैं पत्रकार लोगों को विनंती करता हूँ, TV1 चैनल को विनंती करता हूँ कि ये सब्जेक्ट सरकार के पास जाने के लिए, अभी ऐसे कोई सत्ताधारी और विरोधी पक्ष नहीं रहा, सब उद्योगपतियों के लोग है, देश में विरोधी पक्ष नहीं बचा, इसके लिए ये प्रॉब्लम। अभी विरोधी पक्ष शेतकरी लोगों को ही बनना है, पत्रकारों को विरोधी पक्ष बनना है। इसके लिए नवी मुंबई के सभी पत्रकारों को मेरा विनती है कि हमारे शेतकरी लोगों के आप पीछे रहो, हम जो खाएंगे भाकरी और मछली वो बांट के खाएंगे और ये लड़ाई लड़ेंगे। आपकी आखिरी मांग क्या क्या है, अभी क्या कहना चाहेंगे आप? अभी जो विकास के नाम पे यहाँ जमीनें ली गई उसमें सब बड़े बड़े बिल्डर ही बड़े हो गए। सिडको ने बहुत सारा पैसा कमाया, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जो नगर विकास मंत्रालय है, मुख्यमंत्री है, उन्होंने पैसा कमाया। शेतकरी लोगों को अभी 12.5% का पुनर्वसन नहीं मिला, 5 लोग मर गए, हमारे दीबा पाटिल भी अभी नहीं रहे, और हमको हमारा विकास जो है, हमारी खेती खत्म होगी, मिठागर खत्म होगी, सागरी व्यापार खत्म हो गया, भात खेती खत्म होगी, इसमें रोजगार किधर मिला, नौकरियाँ कहाँ मिली? तो ऐसा विकास हमको नहीं चाहिए। हम पहले थे वो बहुत अच्छे थे, इसके लिए हमारा जो इधर का निसर्ग है, समुंदर है, उसको सोच के जो कुछ अच्छा रोजगार मिलेगा ऐसा रोजगार हम सोचेंगे। हमारा विकास कैसा करना है, इसको स्वयं विकास बोलते हैं, ये नई सोच हम रखने वाले हैं।
ओके, बहुत बहुत थैंक यू आपका। जैसा कि आपने देखा कि राजाराम पाटिल जी का कहना है कि जो एसजेट के नाम पर ज़मीनें ली गई हैं उसे वापस देने का समय आ गया है। सरकार और जो भी प्राधिकरण है इसमें कहीं ना कहीं किसानों के साथ बेईमानी कर रहे हैं, और जो प्रकल्पग्रस्त जिसके नेता हैं वो कॉरपोरेट कंपनियों के दलाल बन के किसानों का हक छीन रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आने वाला जो इनका आंदोलन है वो न्याय दिलाने के लिए मददगार साबित होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। कैमरामैन रविचंद के साथ मैं सुधीर शर्मा, TV1 इंडिया, नवी मुंबई। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।